फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जो हमारे एक्स्ट्रा चावल बच जाते हैं जो होते हैं, उससे हम सोचते हैं अब क्या बनाएं, इसका अब क्या करें। तो आइए मैं आपको एक नई रेसिपी बताती हूँ को उसका आप बनाकर बच्चों को बड़ों को खिला सकती हैं और आपको सभी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आइए मैं बताती हूँ वो किस तरह से मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ये चावल जो है इनको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये ग्राइंड हो चुके हैं राइस। मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च 3 और 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए मैं बताती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ग्राइंड हुए चावल। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच डालूँगी बेसन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 चम्मच मैंने ये इसमें बेसन मिक्स कर लिया है, मिक्स लिया है मैंने कॉर्न फ्लोर जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि चावलों में ऑलरेडी मेरे नमक था तो इसमें मैं देखकर ही नमक डालूंगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च डाली है, बताया था आपको। ये देखिए मटेरियल, जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और इसका एक डो तैयार कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका डो रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है, इस तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये माशाल्लाह बहुत चटपटा, बहुत अच्छा रेडी होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको, आप चाहें तो इसमें गोल शेप या लंबा, आप जिस तरह से चाहें उस शेप में इसको बना सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे हाथ पर ताकि हमारे हाथ पर चिपके ना, और हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए इस शेप में ये बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। पानी लगाकर मैंने इन सबको इस तरह से बना लिया है ताकि हथेली पर चिपके भी ना और आराम से बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं ये फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑयल हो चुका है गर्म। अब मैं इसे 1 बाय 1 करके इसे डालूंगी। फ्लेम तेज रखूंगी। अब मैं इसे आराम आराम से पलटूंगी दूसरी साइड से ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सीख जाए। यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएगी ये। आप इसे चिली सॉस, टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी से खाएं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी और अगेन फिर जो बचे हैं वो डालूंगी। तो देखिए इस तरह से
जो बचे हैं वो भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं दोबारा जो डाले थे उसको भी फ्राई कर लिया है और कम से कम 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि घर के हर घर में थोड़े बहुत चावल ज़रूर बचते हैं, तो उसकी मैंने ये रेसिपी बना ली है और आपका एक अच्छा नाश्ता बन जाता है। मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकालूंगी और उसके बाद मैं इसे टिश्यू पेपर पर प्लेट पर रख दूंगी ताकि इसका सारा ऑयल सोख ले। फ्रेंड्स देखिए, मसाला कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने सर्व कर लिए हैं। आप इसे किस तरह की हरे धनिया की चटनी से, तो फ्रेंड्स रेडी है मेरा गर्मा गर्म नाश्ता, उसके साथ टमाटो सॉस, बेस्ट कॉम्बिनेशन। यम्मी, डिलीशियस। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर कल हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।